नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे। आपको बता दें, बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। हर जगह से ऐसी मनहूसियत भरी खबरें सामने आ रही है जिसको बयां कर पाना भी काफी ज्यादा मुश्किल है। आपको बता दें, रेवाड़ी में ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से 4 लोगों की जान चली गई। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। रेवाड़ी में ऑक्सीजन की कमी से 4 मरीजों की मौत का मामला सामने आया है। निजी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से मौत का ये मामला सामने आया है। वहीं परिजनों ने काफी ज्यादा नाराजगी व्यक्त की है, सीधे सीधे लापरवाही का आरोप लगा दिया है। आपको ये भी बताते चले कि रेवाड़ी के इस अस्पताल में 200 मरीज अभी भी भर्ती हैं और कुछ की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। वहीं गुरुग्राम के कथुरिया हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन की कमी से 4 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। सुबह 11 बजे बंद हो गई थी सप्लाई। अपने आप में बेहद हैरान करने वाला ये मामला, क्योंकि राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से एक जगह लगातार हम देख पा रहे हैं किस तरह से अस्पतालों में हड़कंप है, मरीजों की जान चल रही जा रही है। तो वहीं अब हरियाणा से भी इस तरह की दुखद खबर का आना अपने आप में सिस्टम को लेकर कई तरह के सवालों को जन्म देता है कि आखिर कब ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी की जाएगी। मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से क्यों हो रही है? कौन है इसका जिम्मेदार? समय रहते ऑक्सीजन की सप्लाई आखिर कर पाने में सरकारें नाकाम क्यों साबित हो रही हैं? जरा सोचिए उन परिजनों के बारे में जिन्होंने ऑक्सीजन की कमी से अपनों को खोया है। उनके ऊपर इस वक्त क्या गुजर रही होगी? सीधे सीधे सिस्टम की घोर लापरवाही यहां पर दिखाई दे रही है और इसी वजह से परिजनों ने सीधे सीधे लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा भी किया है। हमारे संवाददाता सतेंद्र जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। सतेंद्र, रेवाड़ी से बेहद दुखद खबर, 4 लोगों की जान चली गई, जबकि आज गुरुग्राम से भी इसी तरह की खबर सामने आई जहां पर ऑक्सीजन की कमी से 4 लोगों की मौत हो गई। अपने आप में बेहद परेशान करने वाला ये मामला, सरकारें क्या कर रही हैं ताकि ऑक्सीजन की आपूर्ति बिना किसी बाधा के पूरी की जा सके? देखिए चित्रा, सरकार लगातार दावे कर रही है कि हमें किसी तरह की कोई कमी नहीं है, ना बेड की कमी है, ना ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन इन दावों की हकीकत जो है टेलीविजन स्क्रीन पर अपने आप दिखाई दे रही है, पहले गुरुग्राम और अब रेवाड़ी। दूसरी तरफ तस्वीर यह है कि दिल्ली में जिस तरीके से लगातार भीड़ बढ़ रही है, तो वो गुरुग्राम, फरीदाबाद और झज्जर तक के हॉस्पिटल फुल भरे चुके हैं। इसके अलावा अब जो पेशेंट्स हैं उनको रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नारनौल, यहाँ तक कि पंजाब तक दिल्ली के पेशेंट्स आने लगे हैं और उसकी वजह से कहीं ना कहीं लगातार हॉस्पिटल्स में बेड फुल हैं, ऑक्सीजन लगातार कम हो रही है। और ट्विटर अगर आप खोलकर देखें, तमाम जितने भी निजी हॉस्पिटल्स हैं, हर घंटे बाद किसी न किसी हॉस्पिटल की रिक्वेस्ट आ जाती है सरकार के लिए कि हमारे यहाँ पर 2 घंटे का स्टॉक बाकी है, हमारे यहाँ पर 1 घंटे का स्टॉक बाकी है। ये जो रेवाड़ी का हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, 200 बेड है, 200 के 200 फुल है, 4 पेशेंट की मौत हो चुकी है और यहाँ पर ये कहा जा रहा है, हॉस्पिटल के सीईओ ने खुद जो है हेल्थ सेक्रेटरी से बात की थी और सरकार ये दावा कर रही है कि हमने 140 सिलेंडर गैस के इनको दे दिए थे, लेकिन सरकार ये दावा कर रही है। ठीक है, जो दावा है और जो हकीकत है उसमें जमीन आसमान का फर्क देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि परिजन अपनी नाराजगी यहां पर व्यक्त करते हुए, आखिर क्या वजह है कि राजधानी दिल्ली से पैर पसारता हुआ अलग अलग हिस्सों में लगातार ये फैलता हुआ चला जा रहा है? ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है अपने आप में बड़ा सवाल है। जिनके लोगों की मौत हो रही है, जरा सोचिए इस वक्त उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। इसको बिना किसी बाधा के पूरा किया जाना चाहिए और सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो इसको सुनिश्चित करें। इन सबके बीच आपको बताते चले, राजधानी दिल्ली में लगातार संक्रमण का आंकड़ा बढ़ता हुआ चला जा रहा है। इसी के मद्देनजर एक बार फिर से लॉकडाउन को बढ़ाने का ऐलान किया गया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से। वहीं दूसरी तरफ अब वो मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखने के बाद उद्योगपतियों से निवेदन कर रहे हैं कि अगर आपके पास ऑक्सीजन है तो दिल्ली को इसकी सप्लाई करें। लेकिन हालात इतने क्यों बिगड़ गए, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। अभी हफ्ते भर और बंद रहेगी दिल्ली। 6 दिन के छोटे लॉकडाउन को मिला एक्सटेंशन। कोरोना पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार का फैसला, जिसका अनुमान पहले से हर किसी को था, आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसका औपचारिक ऐलान कर दिया। दिल्ली में 3 मई सुबह तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। पाबंदियां वही होंगी जो पहले से लगी हुई है। अभी भी कोरोना का कहर जारी है और कोरोना कम नहीं हो रहा, तो इसीलिए उसके मद्देनज़र कई लोगों के भी, जनता के बीच में भी जब हम लोगों ने बात करने की कोशिश की, सबका मत यही है कि लॉकडाउन कभी और बढ़ाना चाहिए, तो लॉकडाउन को दिल्ली के अंदर 1 हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा रहा है।
अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक के लिए। दिल्ली में पिछले सोमवार यानी 19 अप्रैल को 6 दिन के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया गया था, लेकिन केस पर उसका ज्यादा असर नहीं देखा गया। 19 अप्रैल को 23,686 नए केस आए थे और 240 लोगों की मौत हुई थी, जबकि आज जब लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान हुआ तब 24 घंटे में केस का आंकड़ा 24,103 और मौत 357 पहुंच गई है। इस तरह लॉकडाउन के दौरान संक्रमण की दर देखें तो इसमें भी इजाफा ही हुआ है। 19 अप्रैल 26.12%, 20 अप्रैल 32.82%, 21 अप्रैल 31.28%, 22 अप्रैल 36.24%, 23 अप्रैल 32.43%, 24 अप्रैल 32.27%। इस दौरान हमने देखा लॉकडाउन के दौरान की संक्रमण दर, पॉजिटिविटी रेट जिसको कहते हैं, ये लगभग 36-37% तक पहुंच गई। आज तक इतनी संक्रमण दर हमने दिल्ली में तो नहीं देखी, बाकी दुनिया भर में हो सकता हुई हो कहीं पे, लेकिन 36-37% तक संक्रमण दर पहुंच गई। पिछले एक दो दिन से थोड़ी सी कम हुई है, आज 30 के नीचे आई है, 29 पॉइंट कुछ आई है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोरोना ख़त्म होने की दिशा में जा रहा है, लेकिन ये अभी तथ्य हैं, अभी और कुछ दिन देखना पड़ेगा, हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है कम हो, लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कोरोना से हम लोगों को मुक्ति मिले। दिल्ली में इस वक्त सबसे बड़ी समस्या अस्पतालों तक समय पर ऑक्सीजन पहुंचाने की है। सीएम के मुताबिक दिल्ली में ये समस्या कायम है। दिल्ली में ऑक्सीजन की काफ़ी कमी महसूस हो रही है। हमने दिल्ली की इस वक्त ज़रूरत 700 टन की है और हमें केंद्र सरकार से 480 टन अलॉट हुई है, लेकिन ये पूरी अलॉटमेंट भी अभी दिल्ली में नहीं आ रही है। 700 टन की ज़रूरत है इतने कोरोना की महामारी में, उसके मुकाबले में 330-335 ही पहुंच रही है। हमने एक वो पोर्टल टाइप बनाया है और ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं, जिसमें हर दो दो घंटे में मैन्युफैक्चरर से लेके और अस्पताल तक, एंड यूज़र तक, हर एक को दो दो घंटे के अंदर अपनी ऑक्सीजन की पोजीशन बतानी पड़ेगी। हालांकि दिल्ली के बीजेपी सांसद खुद केजरीवाल से इस मुद्दे पर सवाल कर रहे हैं। एक साल आपको वक्त मिला था, पिछले साल कोविड से लेके इस साल कोविड तक आपने कुछ क्या नहीं किया, अब आपको लेटर लिखनी पड़ी। और ये भी ब्रेकिंग न्यूज है कि आपने सारे स्टेट्स के सीएम्स को लेटर लिखी और ये बोला है कि हमारे को ऑक्सीजन प्रोवाइड कीजिए, तो वो 7 ऑक्सीजन प्लांट जो आपने लगाने थे, 8 में से जो एक ही लगा है, उसका क्या हुआ? ये बहुत नीची राजनीति है और ये राजनीति से सिर्फ लोगों को सफर हो रहा है। लोग ही सफर कर रहे हैं, लोग अपनी जिंदगी से लड़ रहे हैं। अब तक कोरोना के 3 लहरों को दिल्ली ने आसानी से झेल लिया था, लेकिन चौथी लहर में दिल्ली का बुरा हाल है। जरूरी है कि सब मिलकर इस लड़ाई को दिल्ली में जीत दिलाएं। पंकज जैन, दिल्ली आज तक। राजधानी दिल्ली में 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी कि 2 हफ्ते तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इन सब के बीच एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश से सामने आ रही है। भोपाल में लॉकडाउन को 3 मई तक के लिए कर दिया गया है। आपको बता दें कि वहां पर भी कोरोना संक्रमण के आंकड़े लगातार बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, जिसके बाद शिवराज सरकार की ओर से यह बड़ा फैसला किया गया है। अब भोपाल में 3 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इन सबके बीच 1 तारीख से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन अब जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसके मद्देनजर आपको बता दें, ये बड़ा फैसला लिया गया है और अब 3 मई तक के लिए भोपाल से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। आपको बताते चले कि हर जगह इसी तरह की स्थिति बनी हुई है, यानी कि संक्रमित मरीजों की तादाद बढ़ती हुई चली जा रही है। मौत का आंकड़ा भी अपने आप में विचलित करता हुआ, ये थमेगा कब और कैसे, बड़ा सवाल है। लेकिन पीएम मोदी की ओर से भी कहा गया था कि अगर अंतिम विकल्प के तौर पर लॉकडाउन अपनाना हो तभी राज्य सरकारें इसको अपनाएं, जिसके मद्देनजर हमने दिल्ली में देखा, भोपाल में, देश के अलग अलग हिस्सों में कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर राज्य सरकारों की ओर से निर्णय लिए जा रहे हैं ताकि कोरोना के इस बढ़ती हुई चेन को ब्रेक किया जा सके, रोका जा सके।
इन सबके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर से मन की बात की। इसमें उनकी ओर से भरोसा दिलाया गया है कि ऑक्सीजन की कमी को बहुत जल्द पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर भी किस तरह की बड़ी तैयारी है, सभी को वैक्सीन दिए जाने को लेकर क्या कुछ कहा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, आज मन की बात कार्यक्रम में सुनिए। कोरोना के इस संकट काल में वैक्सीन की अहमियत सभी को पता चल रही है, इसलिए मेरा आग्रह है कि वैक्सीन को लेकर किसी भी अफवाह में न आए। आप सभी को मालूम भी होगा कि भारत सरकार की तरफ से सभी राज्य सरकारों को फ्री वैक्सीन भेजी गई है, जिसका लाभ 45 साल की उम्र के ऊपर के लोग ले सकते हैं। अब तो 1 मई से देश में 18 साल के ऊपर के हर व्यक्ति के लिए वैक्सीन उपलब्ध होने वाली है। बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है वैक्सीनेशन की प्रक्रिया, जैसे ही 18 प्लस के लिए शुरू हो आप अपने घरों से बाहर निकले और वैक्सीन लेने के लिए जरूर जाएं, क्योंकि यकीन मानिए यही कारगर है मौजूदा दौर में। इन सब के बीच आपको बता दें मन की कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर से भी बातचीत की है। महाराष्ट्र सरकार के कोविड टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर शशांक जोशी से भी उन्होंने बातचीत की। शशांक जोशी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशांक जी, आपने बातचीत में यह कहा कि कोरोना का इलाज बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो देर से शुरू कर रहे हैं, इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है और मौजूदा हालात में इस वक्त जहां पर महाराष्ट्र या इंडिया खड़ा है इस पर क्या सोचते हैं आप, क्या राय रखेंगे अपनी? ये संक्रमण बढ़ने के लिए देरी से इलाज करना, ये दोनों का कोई संबंध नहीं। अभी जो दूसरी हवा या लाट बोलते हैं जिसको, या दूसरी वेव बोलते हैं, उसका जो कीटाणु है कोरोना का, उसका जो वेरिएशन है या वेरिएंट है, उसका संसर्ग जो ट्रांसमिशन है वो पास है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि जब उनको कोरोना हो जाता है तो पहले हफ्ते में अपने आप ही इलाज कर लेते हैं और वैद्यकीय सलाह नहीं लेते, और फिर बाद में बहुत देरी से आते हैं हमारे पास। तो ये नहीं होना चाहिए, यही हमारी एक मनोकामना है। उसके दो कारण है, एक तो क्या है कि हमको ये जो दूसरी वेव आई है इसमें जितने हो सके सबकी जाने बचा, हमको तो जीरो मोर्टेलिटी, एक भी मौत नहीं होनी चाहिए, ये पहली बात है। दूसरी क्या है कि जब लेट आते हैं तो अक्सर उनको हमको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है, फिर बेड के लिए बहुत धांधली हो जाती है और फिर लोगों में पैनिक फैल जाता है। तो इसके लिए हमने बोला कि जो कोरोना का 14 या 21 दिन का टाइम टेबल है उससे एवरी डे यानी हर दिन हमको मॉनिटरिंग करना चाहिए और डॉक्टर के साथ कांटेक्ट में, संपर्क में रहना चाहिए। डॉक्टर की ये बात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है और यकीनन आप लोगों के एक एक शब्द आज देश के करोड़ों लोगों के लिए बहुत मायने रखते हैं। ऐसे में अगला सवाल डॉक्टर शशांक आपसे मेरा ये है, चूंकि लोगों में किस तरह के लक्षण दिखें जिसके बाद वो खुद को आइसोलेट करें और क्या लक्षण दिखने के बाद डॉक्टर से परामर्श बेहद जरूरी हो जाता है, इस बारे में अगर आप जानकारी दें। तो पहली चीज है कि आप कोई भी ऐसे मरीज के साथ पोटेंशियली कॉन्टेक्ट में आए तो आइसोलेट करना चाहिए। आपको यदि बुखार आता है, आपको सर्दी होती है, आपको खांसी आती है जिसमें सूखी खांसी आती है, आपके सांस खुलती है, आपका जो गंध है या स्वाद है वो निकल जाता है, तो आपको एक रेड अलर्ट आता है और आपकी जांच करनी चाहिए, और जांच करने के बाद आपका कोविड पॉजिटिव आता है तो सेल्फ आइसोलेट करना चाहिए। तो जैसे ही आपको लक्षण लगते हैं तो सेल्फ आइसोलेट करने में आपको आपको भी खुद को आप बचा सकते हैं और आपके आजू बाजू के जो घर के कुटुंब है उनको भी हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर शशांक, क्या हल्के सर्दी जुकाम खांसी में भी डॉक्टर से परामर्श बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि मौजूदा वक्त ऐसा है चारों तरफ अफरा तफरी का आलम है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा, अगर उनके गले में खराश भी आ जा रही है तो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जा रहे हैं। ऐसे में सामान्य लक्षण वाले मरीजों के लिए आप क्या सलाह देंगे? सामान्य लक्षणों के जो मरीज है उनको हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो आपके डॉक्टर के साथ आप वीडियो कॉल द्वारा या फोन द्वारा संपर्क करें। हमारी भारत सरकार के पास भी ई संजीवनी करके एक पोर्टल है, सेहत करके सीनियर सिटीजन के लिए पोर्टल है, वहां पे भी डॉक्टर इंक्लूडिंग ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की अवेलेबल है, तो उनके साथ आप विचार विमर्श कर सकते हैं। तो वैद्यकीय मार्गदर्शन लेना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर आपको एक राय लगती है, क्योंकि डॉक्टर को ही पता चलता है कि यह मामूली सर्दी बुखार है कि कोविड वाला सर्दी बुखार है, और जांच की जरूरत है कि नहीं है, दवाई चालू करने की जरूरत है कि नहीं है, इसकी कैसी निगरानी करनी चाहिए। इसलिए हमारा एक ही सबसे दरख्वास्त है कि आपके डॉक्टर के साथ आप संपर्क में रहना बहुत जरूरी है।
सर, रेमडेसिविर की जरूरत किन मरीजों को है, क्योंकि इसको लेकर पूरे हिंदुस्तान में कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर बहुत ज्यादा पैनिक की सिचुएशन है, तो ये कब लेना पड़ रहा है अगर इसके बारे में, क्योंकि हर कोई परेशान है, जगह जगह जाकर मेडिकल स्टोर पर अस्पतालों में लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन ढूंढ रहे हैं, तो लोगों को आप क्या सलाह देंगे इस इंजेक्शन को लेकर, किन मरीजों को इसकी जरूरत है? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, इसके ऊपर बहुत भेष चल रही है, लोगों में बहुत डर भी पैदा हुआ है। तो पहली बात है कि ये एक्सपेरिमेंटल दवाई है, ये दवाई जो है ये इबोला वायरस के लिए तैयार है, और ये जो इंजेक्शन है ये पहले 9 दिन में ही कोरोना में काम करता है और 5 ही दिन चलता है, तो इसके लिए इसका ये डोसिंग शेड्यूल है। ये अस्पताल में देना चाहिए जिन मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत है, और ये दवाई लेने से हमारी हॉस्पिटल के 2-3 दिन बच जाते हैं, रिकवरी फास्ट होती है, लेकिन इससे जान नहीं। इसके ऊपर बहुत संशोधन हुआ है ये दवाई के ऊपर, और दुनिया में 4 बड़े ट्रायल जिन्होंने उसमें देखा कि किसी का भी मृत्यु दर बदला, तो ये लाइफ सेविंग दवाई है, यानी इससे जीवन बचता नहीं लेकिन इससे रिकवरी फास्ट होती है। अस्पताल में बेड से घर जाने के लिए सुविधा ज्यादा होती है, सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलती है, तो इसके पीछे भागने की जरूरत नहीं। अपने पास जो जीवन देने वाले जो दवाइयां हैं, जिसमें स्टीरॉयड का जिक्र और फिर ऑक्सीजन का, प्राणवायु ऑक्सीजन का, फिर हमारे छाती पे सोने के सोने सो के जिसको प्रोन पोजीशन बोलते हैं, उसका उसका बहुत योगदान है, तो ये चीजें हमारी जान बचा सकती है। एक और सवाल जो मौजूदा वक्त में सभी को परेशान कर रहा है, क्योंकि राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से कई लोगों की जान जा चुकी है, आज ही 8 लोगों की मौत की खबर हरियाणा से अलग अलग हिस्सों से सामने आई जहां पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीजों ने दम तोड़ दिया, ऐसी ही दिक्कतें और जगहों पर भी हो रही हैं। ऐसे में लोगों को समझ में नहीं आ रहा ऑक्सीजन का लेवल कितना होने पर उनको अस्पताल जाने की जरूरत है, या अगर इसका एक पैमाना आप बता पाए, लोग क्योंकि थोड़ा सा भी कम हो रहा है बिल्कुल पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हो जा रही है, लोग बिल्कुल परेशान हो जा रहे हैं, तो ऐसे में लोग क्या करें? हमारे शरीर में हम ऑक्सीजन मेजर करते हैं पल्स ऑक्सीमीटर से, और ये पल्स ऑक्सीमीटर क्या करते हैं, विश्राम करते समय हम चेक करते हैं, तो ये 93 के नीचे होनी नहीं चाहिए, यानी 93 के नीचे नहीं होनी चाहिए, 93.5%। और फिर क्या करते हैं, हम 6 मिनट एक चलते हैं थोड़ा सा, और 6 मिनट चलने के बाद हम वापस एक बार ये नापते हैं ऑक्सीजन की सैचुरेशन की मात्रा, और इसमें 3% का ड्रॉप हो या 93 के नीचे आ जाती है लेवल, तो एक रेड अलर्ट सिग्नल आ जाता है, और त्वरित आपके आप डॉक्टर से संपर्क करके ऑक्सीजन की प्रोविजन करके सिरड़ की दवाई चालू करके, क्योंकि कई बार अस्पताल का बेड भी लेना पड़ता है, तो ये रेड सिग्नल। सर, ये महत्वपूर्ण बात आपकी ओर से कही गई है। एक आखिरी सवाल का जवाब जरूर मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स से सदस्य भी हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात में भी आपसे बहुत सारी बातों को शेयर करवाया, और बहुत जरूरी भी हो जाता है, डॉक्टर्स जब अपनी बात रखते हैं तो पूरा देश गौर से उनकी बातों को सुनता है और उन्हें अमन मिल जाता है। 1 तारीख से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू होने के लिए जा रहा है महाराष्ट्र, हम सब ने देखा बीते 1 सालों की बात करें, या कोरोना का फर्स्ट फेज हो या जो ये दूसरी वेव इस वक्त चल रही है वो हो, बहुत ज्यादा जूझता रहा है। ऐसे में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के, जिनके वैक्सीनेशन की शुरुआत 1 मई से होने के लिए जा रही है, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप? देखिए, ये सेकंड वेव की लक्षण ऐसे थे कि इसमें युवा वर्ग और बच्चों को भी कोरोना बाधित, तो इसलिए, और हमारे जो काम करने वाले लोग हैं और अभी जो कोरोना लग रहा है वो यंग पॉपुलेशन में लग रहा है, तो 45-18 की जो पॉपुलेशन है उसको भी भारत सरकार ने योग्य देखा है कि उनको भी, जिन जो जो राज्यों में कोरोना का प्रभाव बहुत ज्यादा है वहां पे वो लोकल लेवल पे डिसीजन लेके उनको वैक्सीनेट कर सकते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि हमको क्या है कि जितना हमारे जो आबादी है, जितनी आबादी को हम जितने ज्यादा वैक्सीनेट कर पाएंगे उससे ही अपने को कोरोना से प्रोटेक्शन मिलेगा। बिल्कुल सर, ये महत्वपूर्ण जानकारी यकीनन जो आपने शेयर की है हमारे दर्शकों तक पहुंची है, वो इन तमाम बातों को बहुत गौर से न सिर्फ सुने होंगे बल्कि उम्मीद यही कि पूरा अमल भी करेंगे। बहुत शुक्रिया आज तक से जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ डॉक्टर शशांक साझा करने के लिए। मन की बात कार्यक्रम में भी आपने सुना और आज तक ने भी अपने माध्यम से ये कोशिश की है कि तमाम डॉक्टर्स की बातें आप तक पहुंचाई जाए, क्योंकि मौजूदा वक्त में जो लोग अपने घरों के भीतर हैं, क्योंकि सेल्फ क्वारंटीन किया जाना बहुत जरूरी है, घरों से बाहर तभी निकले जब बहुत ज्यादा जरूरी हो, क्योंकि अभी एक आपात
आपातकाल की स्थिति जो कोर्ट के शब्दों में हम कहें हिंदुस्तान में देखने को मिल रही है। इसी वजह से मास्क आप जरूर पहने और बहुत जरूरी हो तभी आप घर से बाहर निकले, अपनों का अपने परिवार वालों का खास ख्याल। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आपको बता दें अस्पताल बदहाल है, मरीज बेहाल है और उनके तीमारदार परेशान है। लगातार कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा हर रोज नए नए रिकॉर्ड बनाता हुआ चला जा रहा है। ये आंकड़ा कब जाकर कहां किस रूप में टूटेगा अपने आप में हिंदुस्तान के हर हिस्से में यही सवाल आम आदमी कर रहा है। लेकिन इन सबके बीच अस्पतालों की बदहाली की तस्वीरें और ज्यादा परेशान करने वाली हैं। हिंदुस्तान के विकसित राज्यों में से एक गुजरात, वहां पर भी अस्पताल के बाहर मरीजों की लंबी लंबी कतारें अपने आप में बहुत सारे सवालों के साथ खड़ी हैं। एक अदद बेड के इंतजार में लोग किस तरह से मारे मारे फिर रहे हैं उसको बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट। गौर से देख लो हुक्मरानों, दावा करते हो कि अस्पतालों में बेड का संकट नहीं है, ऑक्सीजन का संकट नहीं है, दवाओं की किल्लत नहीं है, एम्बुलेंस का इंतजाम पुख्ता है। अगर सारे इंतजाम पुख्ता है तो कोरोना का ये मरीज इलाज के लिए ऑटो में क्यों भटक रहा है? कोरोना मरीजों का ये हाल किसी पिछड़े राज्य का नहीं है। जिस राज्य के मॉडल को नजीर के तौर पर पेश किया जाता है उस गुजरात का ये हाल। गुजरात में कोरोना गांव तक पसर गया है, मरीज इलाज के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे। ये शख्स अरवली का रहने वाला है। कोरोना संक्रमण के बाद 24 घंटे तक ये इस ऑटो में इसी तरह चक्कर काटता रहा, एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में भटकता रहा, लेकिन किसी भी अस्पताल में इलाज के लिए जगह नहीं मिल पाई। परिजन रो रो कर दुहाई देते रहे लेकिन कहीं भी इलाज का ऑक्सीजन गाड़ी में आपके से कोई सगवर आपका कोई तैयार न थी साहब। सिविल में जाइए से सिविल वाला क्या क्या बेल्ट न थी, बेल्ट न थी हम करी नहीं साहब। मैंने क्या क्या दूर जाता रहा बाहर जाता रहे हम कर से अब यादा थी हमें साहब गाड़ी में लेन फरी जो कोई हमारी सगवर न थी थी साहब। गुजरात के आदिवासी इलाके में कोविड के इलाज का इंतजाम आपने देख लिया तो अब जरा गुजरात मॉडल के आदर्श शहर अहमदाबाद का हाल भी देख लीजिए। ये अहमदाबाद का सिविल कोविड अस्पताल है जहां कोरोना मरीजों से भरे एम्बुलेंस की कतारें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अस्पताल में जगह नहीं है और अस्पताल के बाहर 50 से ज्यादा एम्बुलेंस एक के पीछे एक। अहमदाबाद की 1200 बेड कोविड अस्पताल के बाहर ये आज तीसरा दिन है और लगातार जो लाइनें हैं वो इसी तरीके से लगी हुई है। ये एम्बुलेंस की एक लंबी कतार लगी हुई है जो हर रोज यहाँ पे खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आप देख सकते हैं कि कम से कम 50 से ज्यादा एम्बुलेंस इस वक्त यहाँ पे कतार से खड़ी हुई है। आपको दिखाते कि लगातार लाइन से यहाँ पे एम्बुलेंस जो है वो लगी हुई है, मरीज जो है उनको लाना यहाँ पे जारी है। और हालात ये है कि अहमदाबाद शहर के ज़्यादातर प्राइवेट अस्पताल जो है वो पूरी तरीके से फुल हो चुके हैं। वैसे में अब जो एम्बुलेंस है एम्बुलेंस भी साथ साथ 8-8 घंटे पे लोगों के पास पहुंच रही है तो एम्बुलेंस के लिए भी लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आपको दिखाते हैं कि जो मरीज है मरीज को अंदर ही सारी ट्रीटमेंट दी जा रही है ताकि कम से कम जब तक उनको अस्पताल में बेड मिले वो ठीक रहे, उनका जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन लेवल यहाँ पे बना रहे। कोरोना से बेहाल इन मरीजों के लिए ये एम्बुलेंस ही अस्पताल है, यहीं पर उनका इलाज चल रहा है, यहीं पर ऑक्सीजन मिल रही है, यहीं पर ड्रिप चढ़ रही है। गर्मी बहुत है तो लोग हाथों से पंखा झल रहे हैं, पूरा इलाज राम भरोसे है। जो हमारी कोविड केयर फैसिलिटी है जिसके अंदर ये 1200 बेड है, 450 बेड हमारे मंजूश्री बेड में और बाकी सारी हॉस्पिटल को मिला के जो करीबन 2400 बेड इस मेडिसिटी कैंपस में है वो सारे के सारे बेड फुल है। अभी फिलहाल ऐसी परिस्थिति है कि दर्दी को दाखिल करने के लिए जितने दर्दी छुट्टी लेके घर जाते हैं उतने बेड वैकेंट होते हैं और वहाँ पर ये जो नए दर्दी आ रहे हैं उनको लिया जा रहा है। और ये देखिए गुजरात में अस्पताल और इलाज का खेल, यहाँ तोरण द्वार पर एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है तो दूसरी तरफ मुस्कुराते हुए गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर। इबारत लिखी है गुजरात फाइट्स कोरोना। दो दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के जीएमडीसी ग्राउंड में बने इस 900 बेड के अस्पताल का उद्घाटन किया था। दावा किया गया था कि 24 अप्रैल से यह अस्पताल शुरू हो जाएगा। हॉस्पिटल कब स्टार्ट होगी बस एक स्टैंडर्ड रीजन बता रहे, टेक्निकल प्रॉब्लम है, लेकिन वो टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है वो किसी को नहीं पता। गृह मंत्री अमित शाह ने आके रिबन काटा, उनको भी नहीं पता कि ये हॉस्पिटल चलेगा कैसे, बेड लगाने से हॉस्पिटल नहीं चलता। ये तो ऐसा हुआ बिना फाटक की रेलवे लाइन, बिना डॉक्टर का हॉस्पिटल। अहमदाबाद के तमाम अस्पताल मरीजों से भरे हैं, बड़ी आस लेकर लोग इस नए अस्पताल में आ रहे हैं लेकिन उन्हें यहाँ मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिल रहा।
कल हमको ऐसा जवाब दिया कि 9 बजे आना, तुम 9 बजे आज आए, कल आए थे, आज भी आए हम, तो कोई हम यहाँ कोई जवाब देने वाला नहीं है, आओ के ना आओ के क्या है क्या नहीं है। हालांकि आज दोपहर बाद खबर आई कि 900 बेड के इस कोविड अस्पताल में इलाज शुरू हो गया है। कोरोना संक्रमण काल में गुजरात में जहां सरकारी अव्यवस्था साफ नजर आ रही है, वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मिसाल कायम कर रहे हैं। सूरत की दीक्षिता वाघानी 108 एम्बुलेंस में EMT के तौर पर काम कर रही है। 7 महीने का उनका बेटा है, लेकिन वो कोरोना मरीजों के इलाज के लिए दिन रात एक कर रही है। सूरत से संजय सिंह राठौर और अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। राजधानी दिल्ली का तो और ज्यादा बुरा हाल है। अस्पताल ऑक्सीजन की कमी से हांफ रहे हैं। कई अस्पतालों में मरीजों की तो सिर्फ इसलिए छुट्टी कर दी जा रही है क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन का बैकअप नहीं है। जरा सोचिए, मरीज और उनके तीमारदारों पर इस वक्त क्या गुजर रही होगी। ऑक्सीजन की अदद कमी की वजह से जब उनका इलाज नहीं हो पा रहा और मरीज दम तोड़ रहे हैं। इन सबके बीच दिल्ली में तो रेमडेसिविर की कमी से भी इस वक्त मरीज और उनके परिजन जूझते हुए हैरान परेशान दिखाई दे रहे हैं। हम खानपुर से आए हैं और हमारे डॉक्टर ने रिप्लाई किया है कि रेमडेसिविर के लिए बहुत रिक्वायरमेंट है क्योंकि मेरे भाई के 75% लंग्स खराब हो गए। और हमने बोला सर इसकी जगह हम कुछ और दवाई ला देते, उन्होंने बोला नहीं, जो मतलब जो ये दवाई काम करेगी वो कोई और दवाई नहीं करेगी। और हम इसके लिए हम इतना भटक रहे हम क्या बोले आपको, कुछ नहीं बोल सकते हम कि हम बहुत ज़्यादा वो हो गए। हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ ये अगर हमें नहीं तो हमारे पेशेंट जहाँ हैं तो छोटे मोटे हॉस्पिटल में वहाँ पर रिक्वायर कर दें ताकि हमारे पेशेंट ठीक हो जाए। कोरोना के मरीज अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं और अस्पताल के बाहर उनके परिजन एक एक दवा के लिए जूझ रहे हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि जान बचाने के लिए रेमडेसिविर का इंजेक्शन लगाना जरूरी है और मरीज पूरी दिल्ली में भटक रहे हैं। रेमडेसिविर हर जगह आउट ऑफ स्टॉक है। हमारे डॉक्टर ने रिप्लाई किया है कि रेमडेसिविर के लिए बहुत रिक्वायरमेंट है क्योंकि मेरे भाई के 75% लंग्स खराब हो गए। और हमने बोला सर इसकी जगह हम कुछ और दवाई ला देते, उन्होंने बोला नहीं, जो मतलब जो ये दवाई काम करेगी वो कोई और दवाई नहीं करेगी। और हम इसके लिए हम इतना भटक रहे हम क्या बोले आपको, कुछ नहीं बोल सकते हम कि हम बहुत ज़्यादा वो हो गए। हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ ये अगर हमें नहीं तो हमारे पेशेंट जहाँ हैं तो छोटे मोटे हॉस्पिटल में वहाँ पर रिक्वायर कर दें ताकि हमारे पेशेंट ठीक हो जाए। रेमडेसिविर के लिए मरीजों के परिजन मारे मारे फिर रहे हैं। उन्हें पता है कि इस इंजेक्शन की कालाबाजारी चल रही है। डर यह भी है कि कहीं ब्लैक में कोई नकली इंजेक्शन न बेच दे। ये इंजेक्शन मिल रहे हैं, ब्लैक में मिल रहे हैं, 50,000 का मिल रहा है, 1,00,000 का मिल रहा है, तो और ये भी नहीं पता कि वो मतलब कि ये असली है या नकली है, वो नहीं पता। नकली इंजेक्शन काफी मिल रहे हैं, 1,00,000 में मिल रहे हैं। राजधानी दिल्ली में हजारों कोरोना मरीज अस्पतालों में हैं और इनमें से तमाम मरीजों को रेमडेसिविर की जरूरत है। इस इंजेक्शन के लिए मरीजों के परिजन परेशान हैं। दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर के हाहाकार तो मचा हुआ है ही, साथ ही साथ अगर बात की जाए तो रेमडेसिविर को लेकर के भी लोगों के लिए एक बड़ी परेशानी जो है वो सामने नजर आ रही है। सरकार की तरफ से तमाम अस्पतालों में अगर बात की जाए और प्राइवेट अस्पतालों में लगातार लोगों को रेमडेसिविर के लिए प्रिस्क्राइब जो है वो किया जा रहा है, लेकिन दिल्ली के अंदर रेमडेसिविर की बड़ी स्तर पर कालाबाजारी भी जो हो रही है। ऐसे में सरकार की तरफ से पिछले दिनों रेमडेसिविर को लेकर के ऑथराइज सेंटर्स जो है वो बनाए गए थे जहाँ पर रेमडेसिविर का इंजेक्शन जो है वो लोगों को मिल सके। इस वक्त हम मौजूद हैं आर्क फार्मास्यूटिकल्स में जो कि उपहार सिनेमा के पास है, लेकिन आज संडे करके ये सेंटर क्लोज है, लेकिन सुबह से ही यहाँ पर रेमडेसिविर को लेकर लोग जो है वो परेशान होते हुए यहाँ पर पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। कोई 2 दिन से तो कोई 3 दिन से परेशान है। बड़े फार्मास्यूटिकल्स पर लोग जाकर वहाँ इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें रेमडेसिविर मिल नहीं रहा है। दिल्ली गवर्नमेंट की ऑफिशियल उन्होंने निकाला हुआ है, इसमें पूरी दिल्ली के अराउंड 30 सेंटर्स का नंबर है। इसमें से मैं 10 के पास जा चुका हूँ, कहीं दवाई अवेलेबल नहीं है। कल भी अवेलेबल नहीं थी और आज संडे है और ऐसे पैंडेमिक में भी सारे क्लोज किए हुए उन्होंने आज भी। उनके हॉस्पिटल्स में कुछ नहीं है और हम लोग रोज ये हंट के लिए निकलते हैं कि यहाँ पे मिल जाएगी, कहीं कोई भी बताता है कहीं पे भी हम वहाँ जा रहे हैं बट मिल नहीं रहा है कुछ भी। मैं रेमडेसिविर लेने के लिए आया हूँ भैया, कल अरेंजमेंट कर लिया था, पूरा सब कुछ कर लिया था, बड़ी दूर दूर से पटेल नगर से जाके लेके आया, कहीं से लेके आया, जो पैसे मांगे दिए उनको, क्योंकि पेशेंट अपना भैया उनको बचाना है, पर लेकिन हॉस्पिटल वालों ने कल गुम कर दिए उनको, तो मैं पहुँचे दे दिए, कहते अच्छा हाँ जी अब बस पहुँच रहे हैं, वहाँ गुम हो गए, अब दोबारा फिर मैं इधर उधर धक्के खा रहा हूँ, कहाँ से लाऊँ उनको।
हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से अलग अलग राज्यों को रेमडेसिविर का कोटा दिया गया था। दिल्ली में भी रेमडेसिविर की 72,000 डोज दी गई थी। इसका रियलिटी चेक करने के लिए आज तक की टीम दिल्ली के अलग अलग इलाकों में मेडिकल स्टोर और डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जा पहुंची, लेकिन तमाम जगह दुकानदारों ने ये कहते हुए हाथ खड़े कर दिए कि उनके यहाँ इसकी सप्लाई ही नहीं होती। राजधानी में एक तरफ दवाओं के लिए मारामारी है तो दूसरी तरफ ऑक्सीजन की किल्लत से अस्पतालों की सांसें फूल रही हैं। ऑक्सीजन के लिए त्राही त्राही मची हुई है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से अस्पतालों में मरीजों की मौत ने दिल्ली को हिला कर रख दिया है। ऐसा दिन भगवान कभी किसी प्रोफेशनल को ना दिखाए कि आप अपने आप को इतना कमजोर और बेबस समझे कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप अपने मरीज के लिए कुछ नहीं कर सकते। मेरी आंख के सामने मेरे 20 पेशेंट मर गए मैडम, 20 पेशेंट मेरी आंख के सामने मर गए, मैं कुछ नहीं कर पाया। मुझे अपने प्रोफेशन पे लानत लगती है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, शमशान घाटों में जगह कम पड़ रही है। मृतकों की बढ़ती तादाद की वजह से सराय काले खां के बंद पड़े शवदाह गृह को खोलना पड़ा है। यही नहीं, शव जलाने के लिए वहां नए चबूतरे भी बनाए गए हैं। राजधानी दिल्ली में जो कोरोना वायरस है वो कोहराम मचा रहा है, लगातार पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, लोगों की मौत हो रही है। शासन और प्रशासन अपने स्तर पर लोगों को बचाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है जो सरकार और प्रशासन ये जानता है कि मौतें होंगी। जो तमाम शमशान घाट है वहाँ पर इतनी डेड बॉडी आ रही है कि जो प्लेटफॉर्म है वो कम पड़ रहे हैं। इसी वजह से जरा आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि इस तरीके से जो पार्क है ग्रीन पार्क, उसमें बकायदा 20 प्लेटफॉर्म तैयार किए गए हैं, जबकि दूसरे हिस्से में 50 प्लेटफॉर्म तैयार किए गए हैं। लगातार मजदूर यहाँ पर काम कर रहे हैं। दिल्ली में अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीजों को डिस्चार्ज करने की नौबत आ गई है। गंभीर मरीजों के लिए ऑक्सीजन वाले बेड का संकट हो गया है। रेमडेसिविर और फैबीफ्लू जैसी दवाएं बाजार से गायब हो गई हैं। ऐसे में कोरोना से भला कैसे जंग लड़ेगी दिल्ली? रामकिंकर सिंह और सुशांत मेहरा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। स्थितियां बहुत ज्यादा परेशान करने वाली हैं, चिंताजनक हैं, भयावह हैं। ऐसे में आप अपना और अपनों का खास ख्याल रखें, बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी घर से बाहर जाएं, वरना घर में ही रहें, पूरी तरह से सुरक्षित रहें। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, शंखनाद में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।